चलिए आपको ले चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां से हमारे सहयोगी रेवेंद्र राजपूत जुड़ गए हमारे साथ। रेवेंद्र, क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है राजधानी में? राजधानी में विशेष देखने को आज बहुत कुछ है। सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल जी के दौरे की। सबसे पहले तो सीएम भूपेश बघेल आज पाटन दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे सतनामी समाज के सम्मान का कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और ये बड़ा कार्यक्रम है सतनामी समाज द्वारा। आज पाटन में 3:10 में पहुंचकर सतनामी समाज के बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। फिर शाम को 5 बजे वो रायपुर आ जाएंगे। लेकिन इसके पूर्व मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं जो राजीव भवन से आ रही है। आज राजीव भवन में 11:30 बजे से एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रभारी कुमारी शैलजा वर्चुअल शामिल होंगी, मोहन मरकाम रहेंगे, पीसीसी चीफ सीएम भूपेश बघेल खुद शिरकत करेंगे। और में कहा जा रहा है कि विधानसभा प्रतिक्षण पर जो योजना बनाने वाली है कांग्रेस पार्टी, उन सभी चीजों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा एनएसयूआई कार्यप्रणाली की भी आज बैठक है, जहां पर मुख्यमंत्री एक विवेचना बैठक करेंगे। साथ ही साथ उन सभी गतिविधियों पर ध्यान देंगे जो अब जिले स्तर पर और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम करते हैं। क्योंकि इसके पूर्व अगर हम बात करें विधानसभा सम्मेलनों की और संभागीय सम्मेलनों की, कल रविंद्र चौबे जी के घर में एक बड़ी बैठक हुई, जहां पर सीएम भूपेश बघेल शामिल थे और मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, बड़े मंत्रीगण शामिल थे। बैठक के रूप में अगर देखें दृष्टिकोण से राजनीतिक गतिविधियों पर, तो उन्होंने साफ तौर पर बड़ा बयान दिया है कि अब संभागीय सम्मेलन का दौर खत्म हो गया है, अब जमीनी स्तर पर काम करना है। आम जनता तक जो बातें पहुंचाई जानी चाहिए थी कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, योजना को लेकर हो चाहे किसी भी कार्य को लेकर हो, उसका प्रशिक्षण होना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए 16 जून से एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है, जो पाटन से होगा। इस क्षेत्र जहां सीएम भूपेश बघेल का क्षेत्र है, वहां से इसका शुभारंभ किया जाएगा। और ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये कार्यक्रम अब चुनाव तक रहेगा। कल मोहन मरकाम ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अमित शाह के दौरे को लेकर, तो पूर्व में उन्होंने यह कहा कि पूर्व में अमित शाह ने जब आए थे तो 65+ की बात कही थी, तो भाजपा 65+ तो नहीं आई, 15 सीटों में सिमट गई। लेकिन अब जो नया ओम माथुर प्रभारी जो आया है, उन पर तंज कसते हुए कहा कि जो एक नया बघवा आया है, उसका भी हस 2018 के विधानसभा चुनाव के जैसा ही होने वाला है। तो सपना छोड़ दे बीजेपी, और चुनाव की रणनीति को बनाने पर अलग अलग बैठकें बीजेपी भी ले रही है। लेकिन इस दौरान ओम माथुर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम उन हर क्षेत्रों पर जाएंगे, उन सब जन संवाद करेंगे जो अपने पार्टी के हित के लिए आगे रहे। कल एक बड़ी बैठक हुई थी प्रदेश कार्यालय में भाजपा की ओर से। आप देखेंगे लगातार दोनों पार्टी अपने अपने स्तर पर बड़ी बड़ी संभागीय बैठक कर रही है, चाहे वो जिले की बैठक हो, चाहे विधानसभा की बैठक हो। कल भाजपा ने भी एक बड़ी बैठक की थी, चाहे वो एकात्म परिषद की बात करें, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे परिषद की बात करें, दोनों में प्रदेश कार्यालय और जिले स्तर पर बैठक हुई थी। उस बैठकों में यह कहा गया कि जो भाजपा की विचारधारा है, जो लोग हैं वो भाजपा घर में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जिन्हें भाजपा में नहीं आना है तो वो अपने विचारधारा से सहमत रह सकते हैं। टीएस सिंहदेव के भाजपा आने प्रवेश पर टीएस सिंहदेव ने खुद अपना खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे कई दलों ने प्रवेश करने की बात रखी थी, लेकिन मैंने अपने स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियों को, अपने आलाओं को इस चीज की जानकारी दी और उसका खुलासा किया कि मैं 100 जन्म तक भी भाजपा में शामिल नहीं हूंगा। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो राजधानी रायपुर और प्रदेश से आ रही है, जो राजनीतिक गतिविधियों में उथल पुथल मचा सकती है। जी रविंद्र, आपराधिक गतिविधियों में क्या कुछ विशेष है जिले में? आपराधिक गतिविधियों की बात करें, रायपुर राजधानी में बड़े आपराधिक गतिविधि अभी इन 4 दिनों में देखे गए हों, चाहे वो गांजे की तस्करी को लेके हो, चाहे किसी रोड एक्सीडेंट को लेके हो, या मैं तो बड़ा आपको मामला दे रहा हूं जो खमतराई थाने से आ रहा है, जहां पर 1 किलो गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है खमतराई पुलिस द्वारा। उन्होंने एक सेंध मारी थी एक मुखबरी के द्वारा, एक खबर मिली थी कि कोई गांजे के साथ वहां पर एक तस्कर खड़ा है जो ग्राहक ढूंढ रहा है। ऐसे गांजे को छोटी छोटी पुड़िए में बेचने का काम जो पूरे राजधानी के अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में किया था, उस पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई दबिश की गई थी। क्योंकि इसके पूर्व भी एक जानकारी आई थी कि रायपुर राजधानी में चरस और गांजे का कारोबार अब धीरे धीरे पांव पसार रहा है। इसके लिए पुलिस ने दो तीन टीमें भी लगाई थी जो अलग अलग इलाकों से इन जगहों पर छापा मार रहे थे, क्योंकि जो गांजे का कारोबार है वो काफी विस्तृत रूप से फैला गया है और अन्य राज्यों से इसे मंगाया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, उसके बाद इसे फिर रायपुर में खोला जाता है। तो इसमें बड़ी कामयाबी मिली है खमतराई पुलिस को और उन्होंने एक अपराधी को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर हम बात करें अन्य तेलीबांधा क्षेत्रों में, तो एक सूने मकान में फिर एक जो चोरों ने डकैती चोरी की है, जिसमें 1.5 लाख रुपए कैश चोरी कर लिए गए हैं, जिसमें पुलिस ने उसके लिए टीम जांच के लिए जुटी हुई है और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम जो कार्रवाई है जो लगातार हो रहे हैं और आने वाले पुलिस विभाग अपने तरफ से करेगी। रविंद्र, मौसम की अपडेट ले लें आपसे, 2-4 दिनों में मानसून आने वाला है रायपुर में, क्या स्थिति देखने को मिल रही है मौसम की?
मौसम की अगर मैं आपको बड़ी जानकारी दूं तो जिस प्रकार से गुजरात में अभी जो चक्रवात मिजोरम बिजोपाय जो आने वाला है चक्रवात, उसको लेकर मैं एक बड़ी आपको जानकारी देता हूं। एक लोगों को में असमंजस ये फैला हुआ है कि क्या गुजरात का तटीय इलाका वाला चक्रवात क्या छत्तीसगढ़ में इसका असर पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, कल मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने इसका बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा जो चक्रवात है जो गुजरात से टकराने वाला है उसकी रेडियस की किलोमीटर की स्पीड है 2000 किलोमीटर, लेकिन जो आज अगर किसी एक चक्रवात का अगर रेंज हम देखें तो लगभग 1000 किलोमीटर तक का रहता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ से गुजरात तक की दूरी लगभग 2500 से 2000 किलोमीटर की है और वहां तक का चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ की अलग अलग जिलों पे नहीं दिखेगा, अन्य राज्यों के सीमावर्ती तटीय इलाकों में इसका दिखेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर मौसम की बात करें तो उस चक्रवात से थोड़ी सी जो उसका असर है वो उत्तर बस्तर के कुछ जिलों में हवा और आंधी तूफान के साथ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर बड़ी मात्रा में बड़े किसी असर को देखें तो उतना असर उस चक्रवात का छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं पड़ने वाला है, इस बात का संकेत खुद एचपी चंद्रा मौसम वैज्ञानिक ने दिया है। जी रविंद्र, मौसम की बात करें तो मौसम तो ये गुजरात की बात हो गई कि कल बिपरजॉय तूफान टकराएगा, लेकिन राजधानी रायपुर में अभी मौसम वैज्ञानिकों ने खुद ये कहा है कि 19 जून को मानसून आ रहा है। मौसम की क्या कुछ स्थिति रायपुर में देखने को मिल रही है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है या नहीं? राजधानी रायपुर और पूरे प्रदेश का अगर हाल मौसम की कहें तो राजधानी रायपुर में गर्मी का आलम लगातार बदल रहा है, अप टू डेट होते जा रहा है। अगर हम कहें दोपहर में भीषण गर्मी रहती है, ऐसा पारा माना जाता है कि 42 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन जैसे जैसे 3 बजता है मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है। अचानक मौसम ने कल मिजाज बदला था, 2 दिनों से मिजाज बदला है और हल्की बारिश रायपुर के अलग अलग जगहों पर हो रही है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही है, लेकिन तापमान वैसा का वैसा ही बना हुआ है, लगभग 40 से 42 डिग्री तक पारा हुआ है। न्यूनतम डिग्री की बात करें तो 29 डिग्री के साथ पारा भी बना हुआ है, लेकिन अगर अन्य जिलों की बात करें तो शक्ति और बिलासपुर जैसे जिलों में काफी अभी गर्मी बढ़ी हुई है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।